मकर संक्रांति के अवसर पर जहां लोगों ने पतंगबाजी का जमकर मजा लिया, वहीं अक्सर ड्यूटी पर रहने वाले पुलिस अधिकारी भी पतंग उड़ाते नजर आए। एडिशनल पुलिस कमिश्नर हैदर अली जैदी भी राहत के मूड में दिखे। हैदर अली ने परिवार और दोस्तों के साथ अपने निवास पर छत से पतंग उड़ाई और लोगों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। हैदर अली से बात की हमारे संवाददाता सत्यनारायण शर्मा ने। मकर संक्रांति के त्यौहार पर पूरे देश में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। हर व्यक्ति अपने घर के छत पर खड़ा होकर परिवार के साथ पतंग उड़ा रहा है, लेकिन बात करें ब्यूरोक्रेसी की, बात करें पुलिस अधिकारियों की, जिनको समय नहीं मिलता वो भी आज अपने परिवार के साथ पतंग उड़ा रहे हैं। एडिशनल पुलिस कमिश्नर हैदर अली जैदी भी आज पतंग में मशगूल हैं। सर, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं मकर संक्रांति की। मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। सर, समय मिलता नहीं है आपको आज बच्चों के साथ? मिलता नहीं, आज बच्चों के साथ हूँ और अभी घूम के आया हूँ। सब जगह शांति है और पतंगे जो त्यौहार जो है बड़ा खूबसूरत त्यौहार है जयपुर का। इसमें दो चीज़ें मिलती हैं देखने को, एक तो सब साथ उड़ाते हैं तो यूनिटी है, और एक पतंग का जो सिंबॉलिक है कि ऊंचा उड़ता आदमी, तो सबको तो मैं दुआ करता हूँ कि ऊपर वाला जयपुर को, हमारे प्रदेश को, देश को, सबको तरक्की दे। सर, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे लोगों को आप? मैं संदेश देना चाहूँगा कि बड़े खुशी का त्यौहार है, हंसी खुशी का, और जयपुर के सारे जो भी त्यौहार है वो एक हमें कंपोजिट कल्चर जो है यहाँ का, इसको इंगित करते हैं। सब लोग यहाँ पर दिवाली, संक्रांत, होली, ईद सभी साथ मिलकर मनाते हैं, तो पतंगें उड़ती हैं, देखिए कितना अच्छा लगता है। ये एक तरह से हमारी एक इंस्टिंक्ट है, उसको भी पूरी करती है कि हम खुद नहीं लड़ें, पतंगों को लड़ाएं। वैसे आपको समय मिलता नहीं, लेकिन बच्चों के साथ है, बच्चों ने चरखी पकड़ रखी है, आप पतंग उड़ा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब थोड़ी देर में मैं चरखी पकड़ूंगा, बच्चा जो है पतंग उड़ाएगा। तो ये खुशी के लम्हे होते हैं जब इंसान अपने परिवार के साथ होता है। आज काफ़ी दिनों बाद पापा के साथ वक्त मिला है, मौका मिला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पापा बड़े बिजी रहते हैं मोस्टली, बट आज के दिन पापा ने टाइम निकाला एंड बचपन से पापा ने सिखाई पतंग उड़ाना। इट्स वेरी गुड मोमेंट, बहुत टाइम बाद हम सब फ्री हैं, घर पे हैं, कोविड की वजह से घर पे रहना हो गया एंड तो अच्छा लगता है जब परिवार साथ होता है। और दूसरी बात ये भी होती है कि कई बड़ी जिम्मेदारी होती है अपने कंधों पर, तो वो भी निभाते हैं। खुद हैदरअली सर पूरे जयपुर शहर का दौरा किया, उन्होंने पूरे जयपुर में देखा, उसके बाद परिवार के साथ अब पतंग उड़ा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप भी सेफ रहेंगे, अपने परिवार के साथ पतंग उड़ाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे और साथ साथ सरकारी जो कोविड गाइडलाइन है उसकी पालना करेंगे। मेरे सहयोगी नरेंद्र सत्यनारायण शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।